वेल, बोर्ड एग्जाम्स में आलेखन आते हैं एक पक्षी के साथ या किसी जानवर के साथ बनाने, ठीक है? तो आज मैं यहाँ बनाऊंगी मछली, मछली के साथ हम बनाएंगे अपना आलेखन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी कोई जानवर या पशु पक्षी बना रहे हो तो प्लीज उसको साइड में ही बनाइए, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपके पास ड्राइंग बुक तो होगी नहीं, तो आपको अपने माइंड से ही बनाना होगा। तो आप उस जो भी क्रीचर है उसको साइड में बनाइए ताकि कलर भरने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं मछली बना रही हूँ। बहुत सारा तो मैंने देखा है यूट्यूब वीडियोस में कि लोग पेज को स्टेबल रख के बनाते हैं, बट मैं उतनी एक्सपीरियंसेस भी नहीं हूँ और मैं लेफ्ट हैंडर भी हूँ, इसलिए मैं पेज को स्टेबल रख के नहीं बना पाती। तो मुझे पेज को मूव करना होता है। वेल, मैंने नॉर्मल लोगों को भी देखा है कि वो पेज मूव करके ही बनाते हैं। तो आप जिस तरह परफेक्ट हो, जिस तरह आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, उसी तरह बनाइए, पेज मूव कीजिए या पेज को स्टेबल रखिए। बट यहाँ पे देख लीजिए कैसे बन रहा है। हाँ, एक बात और कि आप जब भी ड्राइंग का मतलब आलेखन का जब ड्राइंग कर रहे हो पेंसिल से, तो उसको हल्की हल्की पेंसिल से ही चलाइए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है ज्यादा हल्का है तो आप उसको अपने दिखने के देखने के हिसाब से डार्क कर लीजिए ताकि कलर भरने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? वेल, हमारी मछली बनके तैयार हो गई है। अब हम निकालेंगे अपने लोटस की डंडी। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, मैं पेज को स्टेबल नहीं रख सकती और मुझे पेज को घुमाना पड़ता है। तो वेल, इस हिसाब से मैंने पेज को अपने हिसाब से घुमा लिया है और मैं बना रही हूँ। आपको भी घुमाना है तो आप भी घुमा लो। तो ये रहा मेरा कमल और मेरा कमल बन के तैयार होने ही वाला है। आप भी बनाते रहिए, अगर आप अभी बना रहे हो बनाते रहिए या फिर देख रहे हो तो देखते रहिए। एक बात और कहनी थी आप लोगों से यार, व्यूज तो ठीक ही आते हैं बट मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप ही वो व्यूअर्स हो जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, तो प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार। देखते ही देखते मेरा कमल भी हो गया है तैयार। और ये देखिए, मैं ये अंदर की ओर लाइन कर रही हूँ, जिससे क्या होता है ना, हमारा कमल इनहांस हो गया, मतलब थोड़ा सा गुड लुक दिखता है, मतलब अच्छा लगता है। बहुत सारे मैंने बुक्स में भी देखा है, वो ऐसे अंदर तो करते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, बट बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं कि वो सोचते यार वही है। कमल हो गया तैयार। वेल, मेरा कमल बन के तैयार हो गया है। और आपको अगर एक्सेस लाइन कहीं दिख रही हो, तो अगर आपके ड्राइंग में आपको एक्सेस लाइन कहीं दिखे तो आप उसे मिटा के रब कर लो, ताकि जब आप कलर करो तो पेंसिल की लाइन ना दिखे। क्योंकि ये जो जितने भी हमने पेंसिल की लाइनिंग की हुई है, वहाँ पर तो हमारी आउटलाइनिंग हो जाएगी डार्क कलर से। तो वेल, अगर बाहर कहीं पेंसिल आई होगी तो वो कलर में आपका दिखेगा, ठीक है? तो अगर आपकी ड्राइंग में एक्सेस लाइन आ गई है तो उसे प्लीज मिटा के क्लीन कर लीजिए, ताकि आपका ड्राइंग परफेक्ट नीट एंड क्लीन दिखे। ओके वेल, आप ड्राइंग बनाते वक्त में ये ध्यान रखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में कि आपका जो ये ड्राइंग जो आप पेंसिल से कर रहे हो, वो 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर बन जाए, ताकि आपको कलर करने के लिए प्रॉपर टाइम मिले। ओके, नहीं तो बहुत क्या होता है, बच्चे बनाने के चक्कर में ही अपने एक घंटे निकाल देते हैं। एक घंटे में बनाएंगे, बचेंगे सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे में आप कलर करोगे या फिर शेडिंग वाला बनाओगे तो आपके ऊपर है। तो आप थोड़ा टाइम मेंटेन करके चलिएगा, जिसमें 3 घंटे में आपका सेटिंग भी हो जाए और आप आलेखन भी अच्छे से बना लो, क्लियर?
वेल, मेरा पत्ता तो तैयार हो गया। अभी आपको ये अपने ड्राइंग में ध्यान रखना होगा कि आप फ्लावर के साथ पत्ती और उसका कली जरूर बनाएं, ठीक है, ताकि उसके तीनों एलिमेंट्स उभर के दिखे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी कली। तो पहले देखो, मैं यहाँ से कली बना रही हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। वेल, आप चाहो तो जो यहाँ पे कली दिखाई जा रही है वो भी बना सकते हो, या कमल के कली की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आपके पास अगर बुक हुई तो आप उसमें से देख के वो भी कली बना सकते हो, ठीक है। लगभग लगभग हमारी आलेखन तैयार हो चुकी है। आपको अगर इसकी कलर देखनी है तो मैं इसकी वीडियो की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इसकी कलर वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। बिकॉज अगर आपको सिर्फ आलेखन बना के थोड़ा ना छोड़ना है, कलर भी तो करना है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दे रखी है जिसमें इसको कलर करके दिखाया गया है। कैसा लग रहा है कमेंट में भी बताइएगा। वेल, मेरा आलेखन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। अब मैं करूंगी इसकी कलरिंग, बट कलरिंग देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हो तो, ठीक है, बिकॉज मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत नीड है। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन नेक्स्ट।